आज तो गुप्ता सर भी दोनों मामू को एक साथ बता लूंगा, मजा आएगा। भैया जी ये होकी पकड़िए ना जरा। अरे मैं क्यों पकड़ूं? अरे चंकी भाई लगना चाहिए कि आपने गुस्से में हमसे होकी छीना। अरे वाह मेरे शेर बहुत अच्छे। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? भैया जी लगना चाहिए ना हमने असली में लड़ाई की है। अरे वाह यार तू तो मेरी लाइफ सेट कर देगा। अरे यार तुम दोनों को चूज करके मैंने कोई गलती नहीं की। बहुत मारा ओकी तो ले ले भैया। नहीं और नहीं और नहीं मारो भैया। अबे तुम दोनों क्या बोल रहे हो? भैया ऐसी क्या गलती हुई थी हमारी? हम बस यम सर का प्यार का पार्टी तो पूरे कॉलेज में फैलाना चाहते थे और आपको गुस्सा आ गया। और आप चाहे हमें कितने भी मार लो लेकिन हम यम सर का पार्टी पूरे कॉलेज में फैला के रहेंगे। अबे तू चुप रहेगा क्या? रुके चंकी पुत्र, हम आपको प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं और आप हिंसा कर रहे हैं। अरे नहीं यम सर, मैं तो इन्हें प्यार से बता रहा था। चंकी पुत्र आपके हाथ में यह डंडा है और इन दोनों को देखकर यह नहीं लगता कि आपने इनके साथ कुछ ठीक किया होगा। अरे 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 ओ माय गॉड। जी 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 चंकी तुम्हारे हाथ में हाथी। अरे बाप रे क्या हाल कर दिया इनका यार। अरे भाई कैसे हो तुम? भाई कैसे हो? यार क्यों मारा इन्हें इतना? यम सर ने प्रेम का पाठ पढ़ाने को बोला, हमने इन्हें भेजा कि भाई जाके प्रेम का पाठ सब जगह फैलाओ, कॉलेज में सबको अपने साथ मिलाओ। ये हमारे दूत हैं, तुमने दूत को मार मार के भूत बना दिया यार। तो आपने मेरे बाबा के लड़कों को बाबा कर लिया, छोड़ूंगा नहीं। आजकल मामा जी फुल प्रेम में हैं यार, हम प्रेम से ही रहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम भी सबसे प्रेम से रहो। बहुत गलत बात करते हो। देखो प्रेम से सद्भाव से रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हम अपने आप को हमने बदला है कि नहीं बदला है? हम कितने बदल गए हैं, कितने परिवर्तन हो गया है हमारा। चलो अस्पताल लेके चलते हैं तुम्हें, लेकिन जाने से पहले तुम ये बात बोल के जाओ, प्रेम की जय, 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 प्रेम की जय। वाह वाह प्रभु वाह, कितने बदल गए हैं भैया जी। आपकी लीला है, सब आपकी लीला। और आप भी कितने बदल गए हैं चंकी पुत्र, ये अपेक्षा नहीं थी आपसे। चलिए चित्रगुप्त जी हम अत्यंत नाराज। चलिए मेरी मेरी बात ठीक है भैया जी, इतनी जल्दी तो हार मैं भी नहीं मानूंगा। अब आप देखना इस कॉलेज के एक एक स्टूडेंट को कैसे बाय बाय करता है चंकी। पैसों की ताकत क्या होती है अब आपको चंकी बताएगा। चलिए 1 2 3 4 properly, 2 3 4 come on concentrate। सर पे नई विग है, हाथ में लाल गुलाब है, आज मैं किस मूड में हूँ स्वयं विचार कीजिए। हेलो बड़ी बिंदु जी। स्टूडेंट्स चलिए आज के लिए छुट्टी। हेलो ओहो बच्चों को बाहर भेज दिया, लगता है आज बात बन ही जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरा। तो क्या कहना चाहते हैं प्रिंसिपल जी? बड़ी बिंदु जी सबसे पहले मैं आपको ये रेड रोज देना चाहता हूँ। और स्वयं विचार कीजिए, मेरा मतलब है स्वयं विचार मत कीजिए। और मैं फिल्मों की 2 टिकट भी लाया हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बताइए यही कि आप बच्चों को योगा बड़ा अच्छा सिखाती हैं। अच्छा दीजिए, थैंक यू फॉर दिस रोज। हाथ में रोज, सर पे नई विग और ये टिकट फिल्मों की, इसके साथ आप मुझे ये कहने आए कि मैं योगा बहुत अच्छा सिखाती हूँ। आप क्या मैं पागल नजर आती हूँ? चले उठक बैठक कीजिए, योगा अच्छा सिखाती हूँ ना, एक टांग पे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर और कूद।
चले कूदिए, ये कुछ उस यमराज सर का किया धराया है। आपने हमें याद किया? हाँ जी आइए। यमराज जी आ गए, अच्छा हुआ। ओ चित्रकूप जी भी है जी। किंतु प्रिंसी सर, आप ऐसे कूद क्यों रहे हैं? मैं बताती हूँ इनका यह हाल ऐसा क्यों है। आपकी वजह से, आज आपकी वजह से सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बिगड़ रहे बल्कि प्रिंसिपल भी बिगड़ रहे। क्लास के टाइम पे प्रिंसिपल जी हाथ में रोज लेकर पिक्चर की दो टिकट लेकर मेरे पास आ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिंसी सर, कक्षा के समय ये क्या कर रहे हैं आप? स्वयं विचार कीजिए। हाँ यम जी, अब तो आप स्वयं विचार कीजिए ही। हाँ। क्योंकि आज आपने विचार नहीं किया ना तो बहुत जल्द इस कॉलेज पे ताला लगते देखेंगे आपकी वजह से। बड़ी बिंदु, बड़ी बिंदु। प्रिंसी सर, आप कुछ मत कहिए यम जी। अरे मैंने क्या गलत कर दिया? आज आज मेरी रज्जो को गए हुए 10 साल हो गए। उसकी भी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं सेटल हो जाऊं। हाँ प्रभु, हमें रज्जो जी ऊपर मिली थी, उनकी भी आखिरी इच्छा यही है कि ये सेटल हो जाए। सेटल हो जाए मतलब अपना घर बसा ले। चित्रगुप्त जी, अच्छा हुआ वापस आ गए, वरना हम अभी ओया ओया कहते। अरे आप हंस रहे हैं? अब आप ही बताइए, अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा है तो क्या गलत किया? आप ही तो कहते थे ना कि प्रेम करो। प्रिंसी सर, प्रेम का अर्थ केवल महिला मित्र बनाना नहीं होता है। ये बात इस कॉलेज के सारे छात्र समझ गए किंतु आप नहीं समझे। हम मानते हैं कि हमने मित्रता की बात की थी, प्रेम की बात की थी, किंतु प्रेम पूरी मानव जाति से, प्रेम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से खींचे। आप यहाँ पढ़ाने आते हैं जो आपका कर्तव्य, किंतु यदि आप अपने कर्तव्य से भटक गए तो ये मित्रता का, प्रेम का अनादर होगा। जी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं स्वयं विचार जरूर करूंगा। मैं प्रभु, आपकी सारी लीला मैं ऊपर से देख रहा था। आपकी बात बिल्कुल उचित है किंतु ये बात मनुष्य को समझाना बहुत कठिन है प्रभु। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु ये कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे। आपने निकाल दिया लगता है भैया जी। हमें लग रहा है तुम्हारे पिताजी ने घर से तुम्हें बाय बाय कर दिया आज। अरे भैया जी, लगता है आम लेके आया है। आम? अरे आम तो हमारे बाग में होते थे, जब बड़े बड़े आम, लंगड़ा आम, चौथा आम। भाई बता कल आया है। पैसे हैं पैसे, और इतने पैसे हैं कि इस कॉलेज का एक एक स्टूडेंट बाय बाय कर लूंगा मैं। पैसों की ताकत क्या होती है यह मैं बताऊंगा। चंकी, चंकी को सपोर्ट दो, 500 का नोट लो। चंकी को सपोर्ट दो, 500 का नोट लो। चंकी को सपोर्ट दो, 500 का नोट लो। कौन है जो 500 में बाय बाय होना चाहता है? सबका ईमान बाय बाय कर लूंगा मैं, सबका। ये लो, ऐश करो, ये लो। आज से तुम सब चंकी के हुए, सब। और कोई आना चाहता है?
अबे यार क्या ये इतने भूंगड़े मूंगफलियों की तरह तुम पैसे बांट रहे हो? देखो ये जो पैसे का बंटवारा हो रहा है ना, ये सब देख के मामा जी बहुत ज्यादा चौंक गए हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि मामा जी बहुत चौंक गए हैं, इतना चौंक गए हैं कि भाई ढोलक जरा चौंकने वाली ट्यूनिंग बजाओ। बजाओ चौंकने वाला बजाओ बजाओ। भैया जी ढोलक धोखेबाज निकला। अरे धोखेबाज तो हमारे दादाजी भी निकले यार, स्वर्ग पधार गए बिना बताए। क्या बात है ढोलक, क्या म्यूजिक दे रहा है, तेरा म्यूजिक बाय-बाय कर लूंगा। अच्छा भाई काम कर बेटा, जीतने वाला म्यूजिक है, जीतने वाला। जीतने वाली? हाँ। ये लो। आहा, क्या बात है, ये ले ढोलक इसी बात पे। आहा, ले आए हाय ले रोकी। अरे ये ले। अरे शुभिया भैया जी। ओह माय गॉड, ढोलक तुमसे ये आशा नहीं थी बे। बस भैया जी प्लीज अब हमें चंकी के लिए म्यूजिक बजाने दो। अरे चार पैसे कमाएंगे तो जोड़ जाड़ के शादी ब्याह कर लेंगे, अपना तो पैसे भी काट लो, लेकिन बीवी की लाली लिपस्टिक के लिए पैसे चाहिए ना। सही बात। हाँ। अबे ढोलक 500 रुपए के ना तुम अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी तक ना करा पाओगे बे, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या कराओगे, कहाँ से शादी कर लोगे तुम, शक्ल देखिए बे तुमने अपनी। बेटा ढोलक बच्चे हमारी पलटन हमारी गैंग हमारे जिगर के टुकड़े हो बे तुम, आ जाओ चलो मामा जी को नाराज मत करो, आ जाओ फटाफट कबाट कबाट कबाट। हेलो, हाँ भैया जी स्पीकिंग। अरे क्या हो गया मामा जी को, अबे ऐसे क्या बोल रहे हो, हैं अबे पूरा शहर बंद करवा देंगे बता रहे, ऊपर से नीचे तक पूरा इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे पूरा मोहल्ला, क्या समझते हो मामा जी को कुछ ना होने देंगे हम, उनके फेवरेट प्यारे भांजे हैं हम बता रहे हैं। पहुंच रहे हैं, रुक जाओ। तो मामा जी की तबीयत खराब है, हम जा रहे हैं, ध्यान रखना कॉलेज के अंदर कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। बस पहुंच रहे हैं, बस उड़ते जाएंगे, आग लगा देंगे। शाबाश मेरे शेर, चलो बाहर आ जा। सर, तेरे एक फोन ने भैया जी का चैन बहरा कर लिया, देख ऐसे दौड़ते गए हैं वो। अरे चंकी ये फोन तुमने करवाया था? यार तुम तो बहुत धोखेबाज हो। हाँ यार बहुत बड़े धोखेबाज हो तुम। लो पैसा वापस लो। ठीक है अब सुन मेरे ढोलक, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अब सुनो मेरे जवानों, अब से जैसा जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा वैसा ही कर। पता नहीं तुम दोनों को क्या करना है, जैसे यम और गुप्ता सराय में शुरू हो जाना। चिंता ना करो, इतनी तारीफ करेंगे, तारीफों को पुल बांध देंगे हम, बहुत बड़े तारीफ वाले। अरे ढोलक किंतु प्रभु अब आगे क्या, ये देखिए प्रभु। निश्चित रहे चित्रगुप्त जी, असंभव नहीं है। चंकी के जैसा महान इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अबे हमने खुद नहीं देखा, बहुत बड़े महान है वो। अच्छा। क्या है कि रवि के कॉलेज की पूरी फीस जमा कर दी और मोहन की बहन की पूरी शादी निपटा दी अपने पैसे से। अच्छा। हमसे बोले तुम्हारी भी शादी करवा देंगे, क्या बड़ा प्यानो ला के देंगे। अच्छा। अबे देवता इंसान है, तुम समझते नहीं हो। प्रभु ये क्या, कुछ देर पहले हमने चंकी पर का कोई और ही रूप देखा था और अब इतना परिवर्तन। चंकी जैसा दिलदार आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा यार, महान है यार महान है। रुकिए जेलो, ये क्या हो रहा है, ये अचानक से चंकी पुत्र के गुणगान क्यों गा रहे हैं आप लोग? जो उन्होंने कहा है करने के लिए वही तो कर रहे हैं, और क्या जेलो। इसके कहने का मतलब है कि जो वो कर रहे हैं वो हम सब कह रहे हैं, है ना? हाँ। लेकिन लेकिन चंकी पुत्र कर क्या रहे हैं? सर एक चीज हो तब तो बताएं, उन पर जुनून सवार हो गया है प्यार बांटने का, मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के उनका दुख दूर किए जा रहे हैं, इतना महान काम कर रहे हैं कि मतलब क्या बताएं। हाँ वो इतने महान है कि इतनी मदद हमारी आज तक किसी ने नहीं की जितनी वो हमारी कर रहे हैं। हाँ। है ना, चलो हम चलकर उनके नारे लगाते हैं। हाँ। चंकी भैया जिंदाबाद, 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 चंकी भैया जिंदाबाद। बहुत चित्रगुप्त जी, चलिए देर से ही सही किंतु चंकी पुत्र हमारे प्रेम का पाठ समझ गए हैं, अब बारी बाकी छात्रों की, आइए चलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे मोनिका जी इधर यहाँ बैठिए, आप लोग भी ना बैठ जाइए वरना मैं चली जाऊं। गुड मॉर्निंग बिंदु जी।
दोबारा विश करो. ओह, आई गॉट इट. गुड मॉर्निंग बड़ी बिंदु जी. गुड मॉर्निंग मोनिका. कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ? पता है मोनिका, मैं क्या पढ़ रही थी? एक शादीशुदा आदमी का अफेयर चल रहा था कुंवारी लड़की के साथ. वो लड़की को कुछ पता नहीं था. जब उसे पता चला और उसने उस आदमी को पूछा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो पता है उस आदमी ने क्या कहा? तुमने कभी पूछा ही नहीं. पूछा तो मैंने भी नहीं कभी अमजी से कि वो शादीशुदा है कि नहीं. मोनिका, मैं क्या अचानक कहाँ चली गई? यम जी, मोनिका जी, गुड मॉर्निंग. प्रभु, बोरिंग नहीं, मॉर्निंग. मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह और बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ. क्षमा चाहते हैं. गुड मॉर्निंग मोनिका जी. गुड मॉर्निंग यम जी. यम जी, मुझे ना आपको कुछ पूछना था, पर पहले आप वादा कीजिए कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं करेंगे, वरना मैं चली जाऊंगी. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मोनिका जी. प्रभु हमेशा सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते. अच्छा, गुड. वो मुझे पूछना था कि क्या क्या आपकी शादी हो गई है? मोनिका जी, ये पूछने में इतना संकोच कैसे? जी हाँ मोनिका जी, हम विवाहित हैं. क्या क्या हुआ मोनिका जी? कुछ नहीं, क्या हो सकता. वैसे आपकी पत्नी कहाँ है? आपने दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया. वो ऊपर है और हम यहां नीचे हैं. क्या क्या हुआ मोनिका जी? कुछ नहीं, ये तो बहुत दुख की बात है. आई मीन बहुत दुख की बात है ना. वैसे यम जी, आपको तो याद आती होगी ना उनकी? हाँ, बहुत याद आती है, बहुत याद आती. कभी कभी तो मन करता है कि हम ऊपर उनके पास चले जाएं. नहीं, ऐसा कभी मत कहिएगा. अरे आप क्यों जाएंगे? आपकी तो अभी इतनी लंबी उम्र है और आप कितने छोटे से, कितने क्यूट से डिंपल. ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ. चित्रगुप्त जी. जी प्रभु. हम छोटे का अर्थ तो जानते हैं, चूट का अर्थ भी जानते हैं, किंतु ये हमारी उम्र की बात क्यों कर रही है? क्या पता प्रभु, वैसे कितनी उम्र होगी हमारी? हमने तो 1.5 लाख के बाद गिनना ही छोड़ दिया था. चित्रगुप्त जी, फैंटापी. शिखा पुत्री, शिखा पुत्री, यहां आइए. क्या बात है शिखा पुत्री, आप इतनी उदास क्यों लग रही? वो मामा जी, मैं बॉटनी के क्लास टेस्ट में फेल हो गई. ओया ओया. प्रभु, यहाँ ओया ओया नहीं भूल सकते. नहीं? बॉटनी मतलब एक विषय है, वनस्पति शास्त्र, जिसमें शिखा पुत्री फेल हो गई है, अनुत्तीर्ण हुई. हाँ, क्षमा चाहते हैं शिखा पुत्री, किंतु आप इस बॉटनी में अनुत्तीर्ण कैसे हो गए? मामा जी, बॉटनी वो मामा जी, मुझे टीचर तो अच्छे से पढ़ाते, लेकिन मुझे ये सब्जेक्ट ना बिल्कुल समझ में नहीं आती. मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ना ये बॉटनी के सब्जेक्ट में ना बहुत एक्सपर्ट हो और मुझे अच्छे से याद कराए. पता चला इस बार भी मैं एग्जाम में फेल हो गई. अरे निराश मत हो शिखा पुत्री. चित्रगुप्त जी. जी प्रभु. हमें कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो शिखा पुत्री को
पॉटी पढ़ाएं। जी प्रभु, वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र, चलिए। अरे बॉटनी क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ बाय बाय कर लूंगा मैं, बॉटनी का एक्सपर्ट समझो मिल गया आपको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.